बात भी करना चाहता हूं। आपने यहां कांग्रेस की तो हार तो पक्की की है, मुझे पूरा भरोसा है। आपने कांग्रेस की हार तो पक्की कर ली है, छत्तीसगढ़ के 30% वाले कक्का भी करारी हार भी आप पक्की मान लीजिए, ये कक्का का जाना भी पक्का। आज हर तरफ से खबरें आ रही है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का विधायक बनना तक मुश्किल हो गया है। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ही कांग्रेस के जो पुराने समर्पित कांग्रेसी हैं, वो यहां के मुख्यमंत्री से इतना चिढ़े हुए हैं कि इस बार उन्होंने यहां के मुख्यमंत्री को हराने की ठान ली है। अब उनके एमएलए बन तक के लाले पड़ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के पुराने दिग्गजों को लग रहा है कि एक बहुत बड़ा धोखा उनके साथ ये मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिल्ली के आला कमान ने किया है। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री के पद के लिए यहां 2.5-2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था कि नहीं? पहले तो ऐसी कोई पार्टी देखी है जिसको घर में भी एग्रीमेंट करना पड़े? ऐसी पार्टी देखी है भाई? इनको घर में भी एग्रीमेंट करना पड़ा। और उस समय तय हुआ था कि भूपेश बघेल सिर्फ 2.5 साल ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन इन 2.5 सालों में मुख्यमंत्री ने पद का जितना दुरुपयोग हो सकता है किया, हजारों करोड़ के घोटाले करके, पैसे के पहाड़ खड़ा करके सारा खेल बदल दिया। कहने वाले कह रहे हैं कि लूट के ये पैसे दिल्ली में कांग्रेस के आला कमान तक गए, यहां के मुख्यमंत्री ने घोटाले की रकम दिल्ली तक पहुंचाकर सौदा कर लिया, अगले 2.5 साल और खरीद लिए। लोग कहते हैं कि इन 5 सालों में भूपेश बघेल के बेटे हो, नाते रिश्तेदार हो, उनकी आसपास रहने वाले अफसर हो, ये सबके सब सुपर सीएम बनकर छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम किया है, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है। इसलिए यहां के लोगों ने ठान लिया है कि इन सभी भ्रष्टाचारियों को कड़ा सबक सिखाकर रहेंगे। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने यहां जो भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला है, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जनता जनार्दन का पैसा लूटने वालों को लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज अफसर जेल में बैठे हैं, जमानत तक नहीं मिल रही है, आगे क्या होगा देखते रहिए। ये सिर्फ करप्शन का मामला नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ा अपराध है जो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ महतारी का साथ किया है। मैं तो युवा साथियों से कहूंगा कि आप अपने फोन पे
और इतना जरूर कर देना, आप अपने फोन पर 508 करोड़ लिखिए, 508 इतना लिखिए, और तुरंत आपका मोबाइल बोलेगा महादेव सट्टेबाजी घोटाला। आप 508 लिखिए, ये हाल है, सारी दुनिया को 508 पता चल गया है जी। अब सारे छत्तीसगढ़ को मालूम है जो गोबर में से भी खा जाता है वो कुछ छोड़ता होगा क्या? कांग्रेस ने पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ महतारी के गौरव पर आंच डालने का दुस्साहस किया है, इसलिए हर छत्तीसगढ़िया का ये दायित्व है कि 17 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा वोट करके कमल पर बटन दबाकर कांग्रेस को साफ कर दे दोस्तों। मेरे परिवारजनों, मैं आज छत्तीसगढ़ के अपने युवा साथियों से भी एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मेरे युवा साथियों मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पीएससी घोटाले में जिन मेरे युवा साथियों के साथ धोखा हुआ है वो तो एक ट्रेलर है, अगर अभी आपने कांग्रेस को नहीं रोका तो इनके हौसले बढ़ जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अड्डा बना देंगे। 4.5 साल इनको आपके भत्ते की याद नहीं आई, लेकिन आज जब युवाओं का गुस्सा देख रहे हैं तब आधे अधूरे इंतजाम कर रहे हैं। इस बात को कर, इसलिए आपको कि 3000 कहा तो 3000 ही देंगे, 1250 खाते में जा रहे हैं तो 1199 नहीं 1250 ही जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने जो कहा उसको भारतीय जनता पार्टी कर रही है।